I K L L कौन है आप? तुम्हारा भाई कहाँ है? नहीं है, काम से बाहर गए हैं। उसके आने तक वेट करूंगा क्या? रेट कितना है? पता नहीं, वो भैया ही बता सकते हैं। तेरा रेट भी वही बताएगा क्या? हिम्मत कैसे हुई तेरी? हमारे घर की लड़की को छेड़ा तो हमको कितना पेन होगा, उसको भी पता चलना चाहिए ना। तुम सच में अगर मर्द हो तो मेरे भैया के आने तक ऐसे ही पकड़े रहो। क्या करेगा वो, क्या करेगा? पकड़े रहो। जाके अपनी दीदी से बोल दे मुझे श्री से कोई अलग नहीं कर सकता। दोबारा यहाँ दिखाई दिया और मेरी बहन का पीछा किया तो कपड़े उतार कर मारूंगा। मुझे चप्पल से मार, छोड़ूंगा नहीं उसे। मैं उन दोनों को नहीं छोड़ूंगा। क्या जिया जी बहुत सोच रहे हो आप? ये तो आपके साथ होता ही रहता है। मुंह बंद कर। उसने मेरी बेइज्जती की है ना, वो मेरे मुंह के ऊपर मिट्टी लगाई है ना उसने, मार डालूंगा उसको। हाँ भाई उसे छोड़ेंगे नहीं, उसको नहीं छोड़ूंगा, उसे नहीं छोड़ूंगा। अरे ये क्या हो रहा है? अरे सुनो, पानी तेजी से भर रहा है, घर डूब रहे हैं, जाके अपने पति को बचाओ। नंदा मैं आ गई, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, डरना मत। वाराणसी पुरपति भज विश्वनाथ। क्यों बेटी, इतनी बारिश में क्यों आई? कल खुद ही मैं आ जाता इसका इलाज करने, इसे लेकर इतनी दूर नहीं आना चाहिए था। क्या हुआ बेटी? बांध टूटने से पानी बह गया, घर पूरा डूब गया है। शिव शिव, मुझे क्या करना है समझ में नहीं आ रहा है। हर बात पर ऐसे मत डरो बेटी, सब कुछ भगवान देख लेंगे, हिम्मत रखो, ठीक है? ठीक है। आज की रात मंदिर में ही रुक जाओ, कल सुबह मैं तुम्हारे रहने की व्यवस्था कर दूंगा। ठीक है चाचा। कौन है ये नंदा? ऐसे पागल जैसा बर्ताव क्यों कर रहा है? एक लड़की क्यों उसकी माँ की तरह देखभाल कर रही है? अगर ये सब हमें जानना है तो 6 महीने पहले इनकी जिंदगी में क्या हुआ था ये जानना पड़ेगा। इनकी कहानी क्या है, इनका गाँव कौन सा है, देखते हैं। जल्दी से मिलन हो जाए तेरा मेरा। दीदी आप तो बहुत अच्छा गाती हैं। क्या है बे? श्री के लिए राजू जी ने भेजा है। उसके पास पैसा है लेकिन वो किसी काम का नहीं है। इस बुढ़े की आशा खत्म नहीं होती है और इसका दिल भी नहीं बदलेगा। लेकिन हमारी सोना है कहाँ? अरे बेटा, बेटा श्री, मेरी सोने की दुकान श्री। क्या सावित्री जी, लगता है बहुत सारा कलेक्शन आया है। अरे ये कौन सा ज्यादा है? तुम उस बुढ़े को ओके तो कहो। पैसों की बारिश से सावित्री की कंपनी भर जाएगी। हाँ, आओ। अरे अरे मेरी सोना किसी की नजर ना लग जाए। इस घर में कितनी भी लड़कियां हो जाएं लेकिन तुम जैसी कोई नहीं है। ठीक है चाची, वो आदमी कोई पागल वागल है क्या? हाँ? मुझे ऐसे देखकर 4 एकड़ की जमीन मेरे नाम लिख दी। हाँ? और कुछ किया होता तो पता नहीं क्या क्या नाम कर देता। ऐसा क्या? हाँ हाँ, पहले पता होता तो इसको मैं झुका देती ना। ये क्या है दामाद जी, आपका तिलक खराब हो गया। एक बार नहीं पूरी जिंदगी के लिए चाहिए सुषमा, तुम्हारी श्री। कितना चाहिए उतना लिख लो। अच्छा मैं चलता हूँ। इस आदमी को लट्टू दे देंगे तो पता नहीं कहाँ जाके घुमाएगा। ऐसे 2 आदमी हो जाए ना तो मेरी तो कंपनी ही बंद हो जाए। बंद कर देंगे दीदी, चप्पल से मारूंगी कमीने। पान खाइए, तू ही डाल ले अपने पेट में। अरे और दर्द हो रहा है क्या? बहुत ही ज्यादा। अंदर जाओ, तू भी जा अंदर। क्या हो गया रे? हमारे गांव के कॉलेज की एक लड़की को पटाने की कोशिश कर रहा था। शर्म नहीं आई इस तरह से बोलते हुए तुझे? उसकी बहन कैसी दिखती है? बहुत कड़क दिखती है दीदी। जल्दी आइए। एक मिनट, आपको पहले से पता है क्या? क्या है वो? मैं इंटर पास हो गई हूँ। मेरी सोना, ऐसे ही पढ़ाई करते रहो और अच्छा मुकाम हासिल करो। तुम नहीं पास होगी तो कौन पास होगा? मेरी गुड़िया। हाँ? क्या हुआ भैया? अरे कुछ नहीं है, कुछ नहीं हुआ है। मेरे लिए इससे बड़ी दुख की बात और कुछ नहीं है। क्या है ये? मेरे लिए नई बात है क्या? तुम रोना बंद करो। आपके जैसा भाई मिलना मेरा सौभाग्य है। ये बात मैं नहीं कह रही हूँ भैया, मेरे क्लास में सभी लोग कहते हैं। गीता, और हाँ एक बात, तुम्हारे कॉलेज में तुम्हें कोई परेशान करे तो तुम बिना डरे मुझे पहले बताना, और बाकी लड़कियों की तरह डर कर छुप कर मत बैठ जाना। मेरे बताने से पहले ही आप समझ जाते हैं ना। बहन गीता, बहुत भूख लग रही है, खाना खिलाओ ना। हाँ चलिए भैया, चलिए चलिए। ये फाइल ले जाकर उनको दे दो। हाँ हाँ, क्या समस्या है आपकी? पति पत्नी का झगड़ा है सर। ये मेरा दामाद है और मेरी बेटी को छोड़ना चाहता है। ये बातें तो पंचायत में करनी चाहिए थी ना, वहाँ हमको न्याय नहीं मिला इसलिए आपके पास आए हैं। ठीक है ठीक है, सुनो, पुलिस स्टेशन में नए एसआई आ रहे हैं, इसको यहीं छोड़कर आप लोग जाओ। ठीक है सर। मैं यहाँ क्यों रहूँगा सर? मैंने जो कहा वो करो। सुनो, कल आते समय लड़की को लेकर मत आना, तुम अकेले आना। क्यों साहब? जो कहा वो करो, सब तुम्हें बताओ क्या? अभी जाओ। ठीक है बेटी, चलो चलो बेटी। इसकी साइन ले लो यहाँ। गुड मॉर्निंग सर। नमस्ते। लड़की पुलिस स्टेशन में आई है तो कोई बहुत बड़ी मुसीबत होगी। हाँ सर, मेरा पति मुझे बहुत परेशान कर रहा है। अरे रे 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 रे, लड़की अगर रोई तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। तुम्हारी तकलीफ को दूर करने के लिए तो मैं हूँ। आओ। इस लड़की का पति कौन है? ये है सर। इतनी हसीन लड़की के साथ तो अच्छी जिंदगी गुजारनी चाहिए। तो इसे मार क्यों रहा है कमीने? डाल दो अंदर इसे। चले सर, मैंने क्या किया सर? साहब सर, मेरी बेटी को आप ही इंसाफ दिला सकते हैं साहब। मैं पैदा ही लड़कियों को इंसाफ दिलाने के लिए हुआ हूँ। हाँ। तुम यहीं रुको, तुम चलो अंदर। आओ आओ। इसकी बदनसीबी राक्षस के हाथ में पड़ गई। नहीं सर, छोड़ दीजिए सर, सर छोड़ दीजिए मुझे, छोड़ दीजिए सर। मैंने कुछ कर दिया ना, छोड़ दीजिए मुझे, छोड़ दीजिए मेरी बेटी। इतने दिन के बाद तुम्हें इंसाफ मिला होगा। शादी होने के 1 साल बाद भी लड़की ताजी है। क्यों उस बेवकूफ कमीने के साथ शादी कर दी तुमने? हाँ जाओ, अब यहाँ क्या कर रहे हो, जाओ। शास्त्री जी आता हूँ साहब। साहब फिर से आप जैसे महान इंसान के साथ काम करने का मौका मिलेगा, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मुझे बहुत खुशी हो रही है। तुम्हारा प्यार मुझे दिख रहा है। कुछ केस आए क्या? साहब ये सब केस ही हैं। ये केस नहीं, वो वो वाला। हाँ। साहब सावित्री नाम की एक बहुत ही अच्छी औरत है। खूबसूरत है क्या? हाँ साहब। अरे जल्दी कर। ये कैसी है? दामाद जी आए हैं। दामाद जी आइए आइए नंदा। अरे चलना, आइए। परेशान मत हो, मैं पकड़ने के लिए नहीं आया हूँ। बिजनेस कैसा चल रहा है? गांव में तो बिजनेस कोई खास नहीं होता है ना दामाद जी। मछली को तैरना और तुम जैसी औरत को सिखाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। तुझे इतिहास के बकासुर के बारे में पता है? उस गांव को बचाने के लिए हर रोज 1 गाड़ी में चावल और साथ में खाने के लिए 1 आदमी, वो ही था उसका एग्रीमेंट। मैं भी वैसा ही हूँ, लेकिन चावल नहीं पैसा चाहिए। औरत के लिए मैं कोई भी गलती कर देता हूँ। हर रोज मेरे पुलिस स्टेशन में इन बेवकूफों के हाथ में नहीं, किसी खूबसूरत लड़की के हाथ पैसा भेजना। सुबह तक आ जाएगी, ठीक है ना? तो फिर आज किसको भेज रही हो? ज्योति, श्वेता, सरला, लक्ष्मी, सब लोग आ जाओ। थोड़ा दूर हो जाओ। क्या बात है, बकासुर की भूख पूरी 1 बार में ही खत्म हो जाएगी। कितनी खूबसूरत है ये। चाची मैं कॉलेज जा रही हूँ। ठीक है बेटी। आज की पेमेंट इसके हाथ भेज दो। श्री तो अभी पढ़ाई कर रही है सर। मुझे एजुकेटेड अनएजुकेटेड से कोई फर्क नहीं पड़ता। परफॉर्मेंस इज वेरी इम्पोर्टेंट। 3 दिन के बाद भेज दूंगी, अभी नहीं। लेडीज प्रॉब्लम है। हाँ। इस लड़की के लिए मैं 3 दिन तो क्या 3 जन्मों तक इंतजार कर सकता हूँ। ये तुम्हारा पीछा कर रहा था ना? ये मेरा पीछा क्यों करेगा भला? तेरी हम कब से धुलाई कर रहे हैं, बताया क्यों नहीं तूने अभी तक हमें? मुझे बताने का मौका ही कहाँ दिया, जैसे ही मिले मुझे मारने लगे। अरे रवि, ओ हाँ भाई, ईटों के लिए कोई आया है क्या? अभी तो कोई नहीं आया। कोई नहीं आया है, 15 मिनट के बाद आएगा। हाँ ठीक है। हाँ, ओके ओके। रुको, अभी तुम सब के बारे में मैं भैया को बताऊंगी। नहीं नहीं, भाई को मत बोलना। तुमको समझ नहीं आता है क्या, कितनी बार बाहर जाने के लिए मना करना पड़ेगा? बैठो। तुम्हें बिना बांधे गई वही मेरी गलती है। मुंह देखो क्या कर दिया है, एक मारूंगी। पंडित जी आएंगे, आराम से बैठो, मैं अभी आती हूँ। चुपचाप बैठो। दिन ब दिन तुम्हारा डर तो कम होते जा रहा है। मैं बाहर के आ गई, तुम भागने लगी। देखती हूँ अब मैं। चुपचाप बैठो यहाँ पर, कोई मनमानी करने की जरूरत नहीं है। बैठो, बहुत हो गया। चाचा जी आइए आइए। क्यों बेटा, कैसे हो? हाँ डरो मत बेटा, फिर से कोई शरारत कर रहे हो क्या? आजकल इनको बहुत हिम्मत आ गई, भागने की सोच रहे थे। आप पानी पीजिए। फिर से इसने क्या किया बेटी? रस्सी खोलकर भागने की आदत हो गई है। अच्छा। चाचा जी, ये नॉर्मल कब हो पाएगा? जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा बेटी। हाँ, अच्छा इस घर में तुम्हें कोई समस्या नहीं है ना? हाँ, सब कुछ बहुत अच्छा है चाचा जी। ठीक है बेटी। ये क्या कोई अमर प्रेमी है? ओए, क्या पसंद करते हो? आओगे क्या? आओ। हाँ। बताती हूँ। लादे पकड़। अबे आराम से, आराम से गले गया। हाँ चल दे ले। अरे लाना अभी। क्या बे सीनू, यहाँ कैसे? यहाँ तुझे एक बात बतानी है। अरे बताना है। आना इधर, उन सबको भी बुला ले। तुम भी आ जाओ। ले भाई आगे, अब बता क्या बात है, जल्दी बता। कोई खास बात है क्या? बहुत खुश दिख रहा है, काम के बीच में आके डिस्टर्ब करता है। ऐसी बात नहीं है। इस बार त्योहार में एक जबरदस्त सॉन्ग पे डांस करने के लिए चिंतामणि की कंपनी में गया था। मेरी पूरी जायदाद मांग रहा है। डांस के लिए नहीं बोला होगा और कुछ मांग लिया होगा। ये चुप हो जा, वो सब पुरानी बातें हैं, समझा क्या? आप क्या बोल रहे हो? तुम कमीने हो ना, इसलिए कहा मैंने। अरे मेरी बात सुन, हमारा नंदा है ना, उसने सावित्री कंपनी की लड़की को सेट किया है। क्या हो गया बे, तुम लोगों की शक्ल क्यों उतर गई? अरे सीनू, तेरे मन में जो चल रहा है ना, वो हमें अच्छी तरह पता है, समझा? अगर ऐसा कुछ निकला ना तो मच्छर की तरह मसल के रख देंगे। पूरी बात तो सुनना। तुम बोलना, अपने नंदा से बोलकर उस लड़की को डांस के लिए मना लेंगे। ए जरा ईंट लेकर आता हूं। हां जा। अबे ये क्यों मंगा रहा है? समझ में आया ना? क्या है बे, उसने सेट करके गलत काम किया तो नहीं बोला? मैं डांस के लिए बोल रहा था, बुरा लग रहा। क्या कर रहा है? अरे बहुत छोड़ दे। अरे बाप रे, अरे क्या कर रहा है? नहीं नहीं, अरे बहुत दर्द हो रहा है। इन लोगों के सामने बात करना भी गलत है। अब ना कहा जा रहा है ना सहा जा रहा है। हॉस्पिटल जाके बिल भेजता हूँ। तो अपना नंदा आ रहा है ना। गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, रुक जाओ। क्यों नंदा, तुमको कोई और नहीं मिला? इसका पीछा कर रहे हो? वो और उसकी चाची मिलकर तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देंगी। तुम्हारी बहन है ना, उसकी भी शादी करवानी है ना। जाओ जाओ, अपना काम देखो जाओ। ये पागल हो गया है। कोई बेवकूफी मत करना। गांव का हर कोई तुम्हारे बारे में ही बात कर रहा है। तुम्हें कोई और लड़की नहीं मिली क्या, जो उससे प्यार कर बैठे? ये कब तक चलेगा? मैं हर किसी को जवाब दे देकर थक चुका हूँ। तुम्हारी बहन है ना, उसकी भी शादी होनी है। अगर तुम उसके पीछे जाओगे तो अच्छे रिश्ते कैसे आएंगे? श्री को मैं आज से नहीं, पिछले 10 साल से जानता हूं। माँ उठो, माँ माँ उठो ना, माँ पापा उठो ना, पापा उठो ना, माँ 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 उठो ना, माँ मेरी जहर जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हसी और मैं जवान। क्या कर रहे हो? कुर्बान मेरी जान, मेरी जान। अरे कौन है रे? अंदर आ। ये बहन है या भाई है? बहन है। तेरे माँ और बाप? माँ और पापा दोनों मर गए हैं। बहन को बहुत भूख लगी है, कुछ है तो दे दो ना। माँ और बाप के बिना तुम अपनी बहन को कैसे पाल पाओगे भला? मुझे दे दो, मैं इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी, अच्छे से पढ़ाई कराऊंगी, नए कपड़े खरीद के दूंगी। हाँ ठीक है ना? चाहिए तो तुम भी मेरे साथ रह सकते हो। ए, ऐसे क्या देख रहा है तू? खाना दूंगी बोला तो समझ में नहीं आया? दे दे बहन को मुझे। अरे दे ना। मैं नहीं दूंगा। ए, 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 जरा सुन तो। रुक जा। भाग गया नालायक। ऐसी लड़की से प्यार करूंगा तो बहन की जिंदगी का क्या होगा, आप लोग यही सोच रहे हो ना? लेकिन श्री नहीं होती तो आज मेरी बहन मेरे साथ नहीं होती। दुख में आंसू आते हैं, पर जब उसकी आदत हो जाए तो हमें खुद को देखकर खुद पे ही हंसी आती है। श्री की हंसी भी ऐसी ही है। मैं उसे उस नर्क से बाहर निकाल कर रहूंगा। क्या चाहिए तुम्हें? पीछा क्यों कर रहे हो? कुछ नहीं, तुम्हें देखने के लिए, तुमसे बात करने के लिए। ओहो, ऐसा क्या? फिर तो रात को घर आ जाओ, फिर तुम जितना चाहो उतना मुझे देख लेना, और तुम्हें जो करना है वो भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ा खर्चा करना होगा, ठीक है ना? हाँ? उसके लिए नहीं, तुमसे थोड़ा। हेलो, ये झूठ क्यों बोल रहे हो? हर मर्द को बस वही चाहिए, इसलिए आए हो ना यहाँ? मैं पैसों के लिए सोती हूँ, गांव में सबको पता है। क्या तुमको नहीं पता क्या? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अच्छा, ये सब ना बस 4 दिन की बातें हैं, लेकिन हाँ, प्यार और शादी के लिए दूसरी लड़कियाँ भी होती हैं। पर मैं वैसा नहीं हूँ, तुम्हारे अलावा किसी और लड़की को नहीं देखूंगा, सपने में भी नहीं सोचूंगा। तुम पागल हो क्या? मैं कुंवारी नहीं हूँ। मैं कितनी बार अपना शरीर बेच चुकी हूँ, तुम्हें पता है? ए, क्या देखकर पसंद कर रहे हो मुझे? तुम 4 साल की थी जब तुम्हारे माँ पापा गुजर गए, तुम अनाथ हो गई थी। उसके बाद तुम्हें तुम्हारी चाची ने पाला, उसके बदले वो तुम्हारे शरीर के जरिए पैसा कमाना चाहती है, और इसी एहसान के बदले में तुम इस तरह से तुम अपनी जिंदगी नर्क बना रही हो, और मैं तुम्हें उस हालत में बिल्कुल भी नहीं देख सकता। जिस 10 साल की उम्र में तुमने मेरी और मेरी बहन की मदद की है, वो मैं मरते दम तक नहीं भूल सकता। इसी वजह से मैं तुमसे प्यार करते आया हूं, और दूसरा कोई इरादा नहीं है। तुम्हारे शरीर को तुमने बहुत लोगों को दिया होगा श्री, लेकिन तुम्हारा दिल अब भी तुम्हारे पास ही है। वो मुझे दे दो। पूरी जिंदगी तुम्हें प्यार से अपने साथ रखूंगा। बंद कर। मैं तुझे चेहरे से बेवकूफ लगता हूँ। उसे नहला धुला कर मैं उस दिन कह कर गया था कि उसके हाथ में पैसा देकर भूल लगाकर मेरे पास भेजने की कहा था ना। कहाँ है वो? हाँ, किसी और के साथ प्यार कर रही है। तुम्हारी बात नहीं सुनती क्या? पता नहीं है क्या? तुम जैसे लोगों को रेट बदलना चाहिए। रूट बिल्कुल नहीं बदलना चाहिए। वो किससे प्यार करती है नहीं पता है सर। तेरे कमरे में जो आया उसे बोल यही फर्स्ट नाइट है सर, बिल्कुल फ्रेश नाइट है। वो यकीन करेंगे, मैं नहीं करूंगा। बात वो है, मेरा दिल आ गया तो हाई क्लास की हो या फिर लो क्लास की हो, भीख मांगने वाली को भी नहीं छोड़ता। तुम्हारी बेटी के साथ एंजॉय करना है, तुझे मरना है क्या तो उसके लवर के पास भेज दिया। डिसाइड कर ले, डिसाइड कर। नहीं 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 नहीं, मैं तो जीने के लिए ही इस धंधे में आई हूँ सर। अगर मैं मर गई, नहीं नहीं मैं नहीं मरूंगी सर, नहीं 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 सर। सर एक दिन का टाइम दे दो, सिर्फ एक दिन का टाइम दे दो सर। उसको लाके आपके पैरों में झुका दूंगी। एक दिन का टाइम दे दो सर, मेरी बात पे यकीन तो करूंगा। मैं जरूर करूंगा, नहीं हुआ तो काट डालूंगा। रुक जा, पूरा घर बिखरा पड़ा है और मैं यहाँ जख्मी हालत में बैठी हूँ। तू अंधी हो गई है, दिखाई नहीं देता? क्या हुआ? वो ऐसा ही आया था यहाँ। तेरे जितनी हिम्मत नहीं है मुझ में। अगर कल तक तू उसके पास नहीं गई ना तो कह रहा था कि वो मुझे मार डालेगा। मर जाओ। मैं सच बोल रही हूँ, मर जाओ। तुम मर गई तो फिर तुम्हारी मौत की कोई वजह होगी ना। मुझे तो किसी से डर नहीं लगता है। मुझे बचाने के लिए वो है ना, तुम मर जाओ। रुक जा, तुझे किसी ने नशे की दवाई दी है? दवा उसने नहीं दी है, तुमने दी है। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने। मुंह बंद कर। सच संवर के पुलिस वाले के पास गई ना तो तेरी हर बात मानेगा, दुनिया भर की खुशी लाकर तेरे कदमों में डाल देगा। वो लड़का कर सकता है, प्यार करेगा और मुझे आगे बढ़ने की हिम्मत देगा। कल मैं मर गई तो मेरा शरीर लेने की जिम्मेदारी लेगा। और क्या चाहिए लाइफ में? तुम डर से मरना चाहोगी या हिम्मत से जियोगी, तुम ही सोच लो। तू ऐसे नहीं मानेगी। चल अंदर, चल बताती हूँ। चाची चल अंदर। छोड़ो, आज से कॉलेज नहीं जाएगी। अगर बाहर गई तो मार डालूंगी। चाची चाची चाची। जी चाची, इतनी जल्दी दीदी हमको छोड़ के चली गई क्या? ये मेरी तीसरी बहन थी जीजा जी। चाहे जितने भी लोग मर जाएं, सबका ग्रैंड ही क्रियाकर्म करूंगा। आप महान हो जीजा जी, महान हो। नंदा, नंदा, कौन है तू? अरे क्या कर रहा है? रुक जा, रोको उसे। मार उसको, मार डालो इसको। कौन है ये? नंदा, तुम इंसान हो या जानवर? ऐसे पागल आदमी को मारते हुए शर्म नहीं आती क्या? छी, दिमाग नहीं है तुम्हारे पास। चलो। क्या जी अजी आप हंस रहे हो? तुम्हारी दीदी फिर से आई तो हंसी नहीं आएगी क्या? एक और दीदी क्या? हे भगवान। अरे भैया क्या कर रहे हो तुम? मैं यहाँ मर रही हूँ, तुम्हें अर्जेंट यहाँ आना होगा, समझे? बात ये है कि लग रहा है जैसे न जाने कहां से ताकत आ गई मुझ में। भैया जल्दी आओ, मैं इंतजार कर रही हूं तुम्हारा। पिछले 2 दिनों से मैंने तुम्हें देखा नहीं, तुम कहाँ चली गई थी? यहाँ मेरी जान निकल रही थी। तुम्हारे बिना मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी। मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ, लेकिन मुझे मुझे भूल जाओ। श्री, श्री, क्या कर रही हो? क्या हुआ है? मुझे चाची को देखकर डर लग रहा है। मेरा प्यार करना अपराध है, इसलिए तुमको मार देगी बोल रही है। यही तुम्हारा डर है क्या? तुम्हारा प्यार इतना पवित्र है, मैं तुम्हें अपना अपवित्र शरीर नहीं दे पाऊंगी। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तुम्हारी बीवी बनकर तुम्हारे बच्चों की माँ बनने की योग्यता मुझ में नहीं है नंदा। देखना तुम्हें बहुत अच्छी लड़की मिलेगी। मुझे छोड़ दो नंदा, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। अपवित्र हुए दिल को बदलना मुश्किल है, लेकिन शरीर को नहीं। बहन, क्या हुआ? क्यों रो रही है? हा? हमारी जिंदगी में कोई और आके आपको मुझसे अलग कर रहा है, ऐसा बुरा सपना देखा भैया। आप शांत हो जाओ बहन। पागल लड़की, सपना कभी सच होता है क्या? ये बेवजह के ख्याल अपने मन से निकाल दो। यार सपना आए थे क्या? सपने में हम भी आए थे, इसीलिए कहा था 50 रुपए दे दो, दाढ़ी वाड़ी निकाल कर आ जाएंगे आपके सामने। अभी कितनी नहीं हुई है। देखो संपत, तुम मेरे भाई के फ्रेंड हो तो तुमसे प्यार करना है ऐसा कोई रूल नहीं है। तुम्हें इतनी बार समझाया, समझ नहीं आता क्या? यही काम किसी और ने किया होता तो थप्पड़ मार देती। क्या बात कर रहा है तू? कैसे हुई? रुक जा। अरे भाई, अरे मर जाएगा वो, क्या कर रहा है तू? अरे छोड़ो ना। क्या हो गया तुम्हें? मार डालोगे क्या? उसकी हालत देख रहे हो कैसी हो गई? दोस्त है हमारा। छी, मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दे यार। इतनी सी थी जब उसे लेकर आया था मैं। अब तक वो अपनी जिंदगी इस मिट्टी में और मेरे साथ जी रही थी। शादी होने के बाद महारानी जैसे जिएगी सोचा था। ये सब तुम्हारे लिए गुस्सा नहीं है, मेरी बहन के लिए मेरा बस प्यार है। भाई बस चुप हो जा, तुम गलत मत समझना। मुझे माफ कर दो नंदा, उसको कभी ऐसे नहीं देखूंगा, अब से वो मेरी भी बहन है। चुप कर बे, कब से लड़कियों की तरह रोए जा रहा है। तुझे मना किया था फिर भी तू नहीं माना। अभी पता चल रहा है ना तुझे है? उसने तुझे मारा तो ठीक किया, लेकिन ये क्या यार, ऐसे कोई किसी को मारता है क्या? देखो रो रहा है बेचारा। ये अपना दोस्त है इसलिए उसने सिर्फ इससे मारा है, कोई और होता तो जान से मार देता। बस करना, हमने से बहुत डांटा है, अब खामखा तू क्यों डांट रहा है? कभी उसने मुझे डांटा तक नहीं, पर आज उसने मुझे मारा। अबे रो क्यों रहा है? गलती से तूने की थी ना, तेरी वो पूजा करेंगे क्या? अरे होता रहता है यार, वो भी तो अपना भाई है ना। मार भी दिया तो उसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है ये बता ना मुझे। अब दिल पे मत ले यार, तेरी भी तो थोड़ी बहुत गलती है ना भाई। अच्छा चल एक काम कर, ये देख थोड़ी सी बची हुई है, इसको पीते ही सारे दर्द खत्म हो जाएंगे। अपनी बहन जो है ना हम सबको वेट कर रही होगी, क्यों सही कहा ना? ठीक है चल आजा। हाँ चल चल। टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। क्या कर रहे हो तुम? अमरूद खाने के लिए दिया था ना, खाओ फिर। पैर सीधा करो। नहीं। फिर यहीं बैठोगे ना? 2 मिनट रुको, मैं पानी लेकर आती हूँ। ठीक है ना, यहीं बैठो। कितने खूबसूरत हो तुम, कितनी खूबसूरत हो। ऐसी मूर्ति इस पागल के पास बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तुम्हें अच्छी खुशी देने के लिए मैं बिल्कुल करेक्ट हूँ, महारानी बना के रखूंगा। सही कहा ना साले साहब। मेरी दीदी का भी ऐसे ख्याल रखते थे, पर बेचारी मर गई। वो बंद कर। तुम क्या कहती हो? चप्पल से मारूंगी तुझे। ए, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तो कॉमेडी समझ रही है क्या? चिथड़े उड़ा दूंगा। मेरी बहन भी ऐसे ही करती थी वो। ए, पागल कहीं। ए, चल यहाँ से। कितना घमंड है तुझे? छोड़ मुझे, छोड़। बाप रे, अरे छोड़, अगर तू दोबारा फिर कभी यहाँ आया ना तो ये काम 10 लोगों के बीच करूंगी मैं। निकल अब। कौन है वो? पता नहीं, वो ईंटों का काम करता है बस। छे, मजदूरी करता है। K L L कौन है आप? तुम्हारा भाई कहाँ है? नहीं है, काम से बाहर गए हैं। उसके आने तक वेट करूंगा क्या? रेट कितना है? पता नहीं, वो भैया ही बता सकते हैं। तेरा रेट भी वही बताएगा क्या? हिम्मत कैसे हुई तेरी? हमारे घर की लड़की को छेड़ा तो हमको कितना पेन होगा, उसको भी पता चलना चाहिए ना। तुम सच में अगर मर्द हो तो मेरे भैया के आने तक ऐसे ही पकड़े रहो। क्या करेगा वो, क्या करेगा? पकड़े रहो। जाके अपनी दीदी से बोल दे मुझे श्री से कोई अलग नहीं कर सकता। दोबारा यहाँ दिखाई दिया और मेरी बहन का पीछा किया तो कपड़े उतार कर मारूंगा। मुझे चप्पल से मार, छोड़ूंगा नहीं उसे मैं, उन दोनों को नहीं छोड़ूंगा। क्या जिया जी बहुत सोच रहे हो आप? ये तो आपके साथ होता ही रहता है। मुंह बंद कर। उसने मेरी बेइज्जती की है ना, वो मेरे मुंह के ऊपर मिट्टी लगाई है ना उसने, मार डालूंगा उसको। हाँ भाई, भाई उसे छोड़ेंगे नहीं, उसको नहीं छोड़ूंगा, उसे नहीं छोड़ूंगा। हाँ? अरे जीजा जी वहां देखिए, वो पागल आ रहा है। हाँ? तेरी तो चलो 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 आ जा। आज बताता हूँ मैं तुझे। चल मारो से, अंदर चल 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 चल। ठीक है तो चलते हैं ना। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, अंदर जा, काम खत्म हो जाना चाहिए। चलो। क्यों रे भाई, मार दिया ना उसको, मार दिया ना? मार के वार्निंग तो दी थी ना उसे। अरे अरे ये क्या हुआ, चोट लगी है क्या? कुछ नहीं, भाई को इतना मारा उसने तो भाई ने एक बार तो मारा ही होगा ना दीदी। मेरे भाई को मारेगा क्या वो? उसके हाथ पैर दोनों काट देना। अभी मैंने जो उसको डोज दी है वो काफी नहीं है, और 2 दिन यहाँ रह कर उसको पूरा सेट करके जाऊंगा। क्या हो गया? ये क्या हो गया? माय देखो ना क्या हो गया। सर सर साहब। क्या है शास्त्री, अब क्या हो गया? अच्छी खासी नींद खराब कर दी। साहब नंदा बहुत ही अच्छा लड़का है साहब, उसकी छोटी बहन को कुछ लोगों ने रेप करके मार डाला है साहब। रेप करके मार दिया? हमारे गांव के पीछे बगीचे में। बेचारी 18 साल की भी नहीं हुई थी साहब, उसका रेप करके उन लोगों ने उसे जिंदा जला डाला था साहब। छे 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 छे, ऐसे भी कमीने कहीं होते हैं क्या? रेप किया तो छोड़ देने का, मार क्यों दिया? 18 साल की भी नहीं थी बोल रहे हो, और 2 साल ज्यादा हो जाते तो कितनी सुंदर होती। ये क्या बात कर रहे हैं सर? मैं क्या बात कर रहा हूँ कमीने, वो मर गई है तो फिर केस करके क्या करोगे? 4 लोग हो, 4 क्वार्टर मार के घर जाकर सो जाओ, सुबह तक नशे के साथ दुख भी कम हो जाएगा। ऐसी बातें मत करो सर, आपके आगे हाथ जोड़ता। तो फिर कैसी बात करूँ मैं? कोई 4 लोग आके खेत में उसे ले जाकर रेप किया, फिर उसे मार दिया, लेकिन वो लोग कौन है नहीं पता। मुझे कहानी सुना रहे हो? इसकी तो पागल बनकर मेरे सामने नाटक कर रहा है। सब लोग तो गांव में त्योहार मना रहे थे, तुम लोग ही उसे खेत में ले गए और रेप करके मार दिया। कांस्टेबल जी सर। बकवास मत कर, मेरा कॉलर पकड़ेगा। लाठी दे। मेरे स्टेशन में आकर मुझे ही मार रहा है कभी ने। साहब तुम लोगों को जिंदा नहीं जाने दूंगा यहाँ से। साहब मारो। साहब वो पागल है। सबको अंदर ले जाओ, ले जाकर अंदर अच्छे से धुलाई करा जाओ। साहब उसे छोड़ दीजिए, वो पागल है साहब। मैं समझ गया हूँ साहब, वो लोग कंप्लेन लिखवाने आए, यही उनकी गलती थी। उन्हें छोड़ दीजिए, मैं आपके पैर पकड़ता हूँ, उनको छोड़ दीजिए, वो लोग कंप्लेन नहीं करेंगे, मैं समझा दूंगा। साहब मेरी बात सुनिए साहब। सर हमारी बहन तो मर गई, पर अब हम इसे नहीं खोना चाहते सर। सर हमें कोई भी केस नहीं करना, बस हम लोगों को छोड़ दीजिए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ सर, हमें जाने दीजिए यहाँ से। सर आपके ही फोन का इंतजार कर रही थी। बहुत मेहनत करना पड़ा मेरे टॉर्चर से डरने के लिए। इस केस को छोड़कर भाग गए वो लोग, अब कोई भी स्टेशन पर रिपोर्ट करने नहीं आएगा। ये आपने क्या कर दिया सर? कल वो ठीक हो जाएगा तो मुझे मार डालेगा वो। मार दीजिए उसे, उसको मार दीजिए। आपको जो चाहिए वो दूंगी मैं। श्री को जिंदगी भर के लिए आपके कदमों में डाल दूंगी मैं। मार दीजिए उसे, उसे मार दीजिए सर। तुझे नहीं छोड़ूंगा, थोड़ा कोऑपरेट कर। वो क्या कर लेगा? मुझे मारने आएगा। एक मिनट बस, एक मिनट। ये आवाज कैसी? गिरी, हे गिरी, हे गिरी, क्या हुआ? ए ब्रजेश, क्या हुआ? ए, ए, ए। क्या? आ गई है सर। हाँ हाँ जी, चलता हूँ सर। कल सुबह तक मुझे डिस्टर्ब मत करना। ओके सर। आहा, अंधेरे में चांद की जैसी बैठी हो, लाइट तो जला लो। शर्म करना बंद भी करो, तुम्हारी खूबसूरती देखनी है। श्री, इतने दिन तुम कहाँ थी? तुम्हारे लिए मैं पागल हो गया था। लक है तो मेरा ही है। वो पागल जिंदा भी है या मर गया है? जिंदा है। छोड़ दो। बताओ। मुझे कुछ नहीं पता है, सब कुछ मेरे भाई ने किया है। मेरे भाई ने किया है सब कुछ, मुझे कुछ नहीं पता। किसका फोन है? हेलो। अरे भैया, 10 एकड़ के रजिस्ट्रेशन के लिए तुम्हारे साइन चाहिए मुझे। कब आना होगा? तुम्हें कल तक आना होगा, नहीं तो वो जमीन हमारे हाथ से निकल जाएगी। ठीक है, मैं आ जाऊंगा। भूलना मत, आ जाना। ए, बोला ना आ जाऊंगा। रखो फोन। बोल दिया उसको, मुझे मत मारना, मुझे छोड़ दो श्री, तुम चली जाओ, मैं इसमें नहीं आऊंगी, मुझे छोड़ दो। क्या हुआ था बता? बताता हूँ। सिटी से 4 लड़कों को बुलाया था, रेप करने को बोला था, लेकिन वो लोगों ने मार दिया। बेटी को छोड़ दो बेटा। मुंह बंद करके वहीं पे खड़ा हो जा। रंगा, कैसे हो? अभी कहाँ हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर तू डर के क्यों बात कर रहा है? कुछ नहीं, मैं अपने गांव आया था, जंगल में हूँ। लगता है इस बार जंगल में प्रोग्राम है। हाँ, इस बार बहुत अच्छा बनाया है। हाँ, जंगल में आके लड़की और वाइल्ड हो जाती है ना, बहुत खूबसूरत है, सुपर है। ऐसी लड़कियाँ तो आपने देखी नहीं होगी, बहुत कमाल की है। इतना अच्छा अरेंजमेंट करेगा तो आना ही पड़ेगा ना। मैं जरूर आऊंगा। हाँ, आ जा। अरे कब तक ऐसे चलते रहेंगे? उसने बोला था कि जंगल में अरेंजमेंट करके रखा है। अरे रंगा को फोन करके पूछ कहाँ आना है। हेलो रंगा, कहाँ है बे तू? ये कौन सा रास्ता पता है, समझ में नहीं आ रहा है। भाई मैं रंगा नहीं, उसका छोटा भाई बोल रहा हूँ। आपके लिए देसी दारू लेने के लिए पहाड़ पे गया है वो, वहाँ सिग्नल नहीं रहता है ना, इसलिए फोन मुझे दे दिया। ओहो, देसी दारू। भैया आपके लिए 5 लोगों का अरेंज किया है और स्वर्ग तो पक्का है आपका। वो सब ठीक है, लेकिन आना कहाँ है? माता का मंदिर पूछोगे ना तो कोई भी बता देगा। ठीक है, ओके, रखो। ए माता के मंदिर पे चलो। हे, रंगा को फोन करना, हमें मंदिर में बुलाकर आखिर गायब कहाँ हो गया वो। सुनना जरा, यहाँ ना स्विच ऑफ आ रहा है। वहाँ पर एक आदमी बैठा हुआ है, जाकर उससे पूछ मंदिर कहाँ पर है। जा। यहाँ माता का मंदिर कहाँ है? बता ना हमारे दोस्त को क्यों मारा? क्यों मारना चाहता है? बोल। अरे बोल ना। क्यों मार रहा है? क्या बताओ, हमारी गलती क्या है? बोलो हमने क्या किया है? तुम लोगों की वजह से मैंने अपनी बहन को खो दिया, मैं उसका भाई हूँ। ये वही है। भैया रुक जा। तुम लोगों को मारने के बाद ही मेरी बहन की आत्मा को शांति मिलेगी। मुझे मार के तुम्हारी बहन की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। क्या बात कर रही है? इसकी बातों में विश्वास मत करो, खत्म कर दो इसको आज। मार दो इसे। गीता को इन लोगों ने नहीं मारा नंदा। ये लोग सच बोल रहे हैं, इन लोगों ने नहीं मारा। गीता को इसने मारा है। ये झूठ बोल रही है। मैं क्यों मारूंगा उसे? मैंने उसे नहीं मारा, मैंने नहीं मारा उसे। वही है। नंदा मारो इस कमीने को। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। ये झूठ बोल रही है। पीकर आए हो क्या? तू अगर मेरी नहीं हुई ना तो मैं तुझे अपने हाथों से ही मार दूंगा। चल। कितनी हिम्मत है तुझमें? जाके दिखा मेरे भैया को। उस रथ का पहिया मैं तुम पर चढ़ा दूंगी। गीता, गीता। छोड़ो, छोड़ो मुझे। छोड़ दो मुझे। ए, वो बता, छोड़ो, लगता है वो मर गई। तो चल इसे भी मार देते हैं। हाँ? हाँ? ए, यार रुकना ठीक नहीं है। चल 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 आजा आजा चल चल। अरे किसका भाई? मेरे बाप से पैदा हुई है जो मुझे भाई बोल रही है तू? अगर एक बार भी भाई बोला तो मार डालूंगा मैं तुझे। नहीं भैया, भैया मुझे छोड़ दो। भैया भैया कहती रही, फिर भी उसने उस लड़की का रेप किया और पेट्रोल डालकर उसे जला भी दिया। उसी राक्षस ने उसे मार डाला। इतने दिनों तक ये सब छुपाने के लिए मैंने बहुत नरक देखा है नंदा। मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती। ये पागल कुत्ता तुम्हें भी मार डालेगा। इसी डर से तुम्हें इतनी दूर ले जाकर रखा और यहाँ से भाग गई। तो मैं तुझे, तेरे आने के पास से हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई। मैं तुझे, तू चाहे कितना बोल ले मेरे दोस्त यकीन नहीं करेंगे। जब तेरे मामा को मारा तो तुझे भी मार देना चाहिए था, तो ये परेशानी ही नहीं होती। नहीं भाई, नंदा, 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 मुझे माफ कर दे। नंदा, नंदा मुझे माफ कर दे। मुझसे गलती हो गई। मुझे आज से वो मेरी भी बहन है। मैं कभी उसे ऐसी नजर से नहीं देखूंगा भाई। तुझे मैंने अपना भाई समझा था। भाई मुझे माफ कर दे, मेरे यकीन कर। तुझ पर यकीन नहीं करता तो और किस पर यकीन करता? तू जैसे से लड़कियों को कैसे बचाना है बताना। बोला इसे जान मार दे नंदा, इसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। मार दो भाई, मार दो इसको, मार दो। इससे इसके टुकड़े टुकड़े कर दो। काट डालो इसे। जहर के बाद अमृत आया था। धोखे के बाद दोस्ती याद आने के लिए ये क्षीर सागर मंथन नहीं है। जानवर जैसे मर्द घूमते हैं समाज में, इसलिए ही तलवार ने खून को देखा है। वो खून लाल अक्षर बन के स्त्री को माँ, दीदी, बहन, बेटी, दोस्त की जैसे देखने के बजाय औरतों के ऊपर गंदी दृष्टि डालने वालों को इस समाज के लिए चेतावनी है।